एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेक लाइफ। इट्स ऊना, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गाइस, आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कितने बजे अभी टाइम हो रहा है? 3 बजने को आ गए हैं और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैंने लंच भी नहीं किया है क्योंकि आज मैं अपना टिफ़िन लेकर नहीं आई थी। आज भैया मेरा लंच लेकर आएंगे, तो जब वो लेकर आएंगे उसके बाद मैं लंच करूँगी। उसके पहले अभी मैं जा रही हूँ एक जगह सैंपल लेने के लिए। और जिनका मैं सैंपल लेने जा रही हूँ ना, वो मतलब मेरे पहचान वाले भी बोल सकते हैं, एंड ऐसे भी विजिट लेने के लिए मुझे जाना था। तो पहले तो उनका कॉल आया था कि दीदी आप अगर ऑफिस हो, लैब में हो तो हम लोग आ जाते हैं। फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं आप रहने दो, आप बताओ, मैं खुद आऊँगी। क्योंकि जिनका मुझे सैंपल लेना है ना दीदी का, वो प्रेग्नेंट है। तो मैंने कहा कि यार आप रहने दो, इतनी ज़्यादा गर्मी है और आप पहले उनको वॉमिटिंग वगैरह सब कुछ हो रही है। और आपको तो पता ही है प्रेगनेंसी में ये सब नॉर्मल है, पर फिर भी इसी गर्मी में वो यहाँ आएंगे तो और ज़्यादा परेशान होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं खुद वहाँ जाकर ले आती हूँ। यार ऐसे टाइम पर तो हम किसी की हेल्प कर ही सकते हैं। तो चलिए वहाँ चलते हैं और दीदी से मिलते हैं और उनका सैम्पल वगैरह लेके आते हैं। उसके बाद हम टेस्ट वगैरह लगाएंगे। और मुझे ना बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, तो आप देख सकते हो मेरा पेट भी अंदर चला गया है। पर अब क्या करूँ, जब तक टिफिन नहीं आएगा तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा। और 3 बज चुके हैं। वैसे तो मैं सुबह से कुछ नहीं खाती हूँ, मैं डायरेक्ट 2 बजे 1 बजे के आसपास लंच करती हूँ, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। तो फटाफट से भैया आ जाते हैं, उसके बाद लंच करेंगे। और आज आपको दिखाऊंगी कि लंच में क्या आया है, क्योंकि मेरे यहाँ से जो आता है वो तो मैंने आपको कई बार दिखाया है, लेकिन आज भैया मेरे लिए क्या लेके आएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए वहाँ जाकर पहले सैंपल लेके आते हैं, उसके बाद लंच करेंगे। तो चलते हैं वहाँ पर, वहाँ जाकर आप लोगों से मिलते हैं। जाने को तो रेडी हो गई हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैंने स्कार्फ अपना ऐसे थोड़ा सा चेहरे पर लगा लिया है, तो थोड़ी धूप कम आएगी। और कुछ लोग मुझे ना देख के बहुत हंस रहे हैं, उनको लगता है कि मजाक है, मतलब इतनी गर्मी में लड़कियों के लिए बहुत बड़ा टास्क है। तो चलिए चलते हैं, दिखाऊं कितनी ज़्यादा गर्मी है। नहीं नहीं, कोई जैकेट वैकेट नहीं पहन रहे। आपको पता है 42 डिग्री सेल्सियस गर्मी है। आगे खास को चलो, गर्मी में जान निकल जाएगी, काली हो जाऊंगी। फोन रख दो, नहीं तो फोन की जान निकल जाएगी, बता देगी। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ भाभी के यहाँ पर। और आते ही सबसे पहले मैंने उनसे बोला कि आपका जो भी डॉक्टर का पर्चा है वो मुझे दिखाइए, ताकि मुझे पता चले कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रही है। एंड आप यहाँ देख सकते हो कुछ टेस्ट लिखे हैं डॉक्टर ने, एंड उन्हें इमरजेंसी में जिस डॉक्टर के पास जाना था वो डॉक्टर उन्हें नहीं मिली, तो फिर वो दूसरी डॉक्टर के पास में गए। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ भाभी का ब्लड सैंपल। और जब मैं भाभी का सैंपल ले रही थी ना, तो भाभी की आँखों से आंसू आ गए। यार सुई से तो सबको ही डर लगता है, लेकिन जब वो लगती है ना तीखी सी चुभती है तो थोड़ा सा तो बुरा लगता है। तो बस उनको देख के मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा था। एंड मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग में कर दी थी, और मुझे कुछ आज पता नहीं था कि आज का दिन कुछ ऐसा होने वाला है। आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था गाइस, मेरे लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि शाम को जो हुआ वो सब देखकर ना मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया था और मन भी बहुत उदास हो गया था। तो गाइस प्लीज़ यार, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे जो भैया है जो ICU में एडमिट है, उनके लिए प्लीज़ दुआ कीजिए को जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर ने उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बताई है। डॉक्टर का बोलना है कि आप इन्हें आगे ले जा सकते हो, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यहाँ पे मैंने सैंपल ले लिया है और मैं दोनों ट्यूब में अलग अलग सैंपल कर रही हूँ। तो यहाँ से मैं जाऊँगी ऑफ़िस, और ऑफ़िस चलकर आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है? अभी का काम करके चलते हैं ऑफ़िस। मैं आ गई हूँ सैंपल लेके, और आते से ही तेजपाल भैया को बहुत ज़ोर से डांट पड़ी, क्योंकि एक रिपोर्ट थी तो उसमें इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया, इसलिए मैंने इनको बहुत ज़ोर से डांटा। और इनको मैं लगाऊंगी काम पर, ये लगाएंगे टेस्ट, इनका लगाना है विटामिन और यूरिन नहीं लगाना, ये चारों टेस्ट। नाम नहीं लिखा मैंने क्योंकि मैं मार्कर नहीं लेके गई, क्योंकि मेरे मार्कर इन लोगों ने सब घुमा दिए हैं और मुझे बोल रहे हैं कि इस पर नाम नहीं लिखा। तो मैंने 3 से 4 मार्कर अपने रखे थे और चारों मार्कर गायब कर दिए। एक दिन की छुट्टी में ये हाल हो गया है गाइस। जिस दिन मैं ऑफिस नहीं आती हूँ ना, ऑफिस का ऐसा हाल कर देते हैं ये सब लोग। कहते ना है कि एक औरत घर संभालती है, वैसे एक औरत ऑफिस में होना बहुत ज़रूरी है। अगर लेडीज़ डिपार्टमेंट नहीं होगा ना, तो ऑफिस और घर दोनों ही चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती मेरे हिसाब से, सफाई को लेकर। हाँ, काम को लेकर नहीं, काम तो देखो जेंट्स एंड लेडीज़ दोनों बराबर ही करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर केयरिंग वाली जो बात होती है ना, वो सिर्फ लेडीज़ ही कर सकती है। तो चलिए भैया सैंपल लगाते हैं और मैं अब लंच करूँगी। मैं लंच दिखाती हूँ क्या लेके आए हैं लंच में भैया मेरे लिए। क्या लाए हो तेजपाल भैया, क्या लाए हो? कहाँ रखा है टिफिन? अच्छा जी। अरे मेरे को तो आप
बचपन की याद आ गई। ऐसा ऐसा टिफिन तो हमें ना बचपन में ले जाते थे, ये स्टील वाला तो। हाँ अच्छा गुड़िया का टिफिन लिया है, वो पेपर दे दो उधर से नाम। मेरा नाम लिख दो सब पे, मेरा नाम लिख दो, हो जाएंगे समझ में। नाम बताओ, पता ही नहीं है ये। वाओ यम्मी यम्मी आलू मस्त। तो गाइस मैं अपना टिफिन आपको दिखाती हूँ, मतलब लंच बॉक्स मेरा। तो मस्त वाली आलू की सब्जी है, उसमें प्याज भी है, और इतनी सारी रोटी लेके आई, मैं इतनी सारी रोटी नहीं खाऊंगी। तो चलिए जल्दी से मैं अपना खाना फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी, ठीक है। अभी शाम के हो चुके हैं 7, और देखिए ना गाइस आज मुझे क्या हो गया है, कुछ पिंपल टाइप हो गया था तो इसको निकाला ना तो ब्लड आ गया है। और 7:30 बज चुके हैं, सुबह 7 नहीं 7:30 बज चुके हैं, और मैं यहाँ से जाऊँगी सिविल हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पर भैया एडमिट है तो उनसे मिलना भी है। और काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ, 2-3 दिन से कि मैं जाऊँ, लेकिन ऑफिस के चक्कर में नहीं जा पाई, इसलिए आज जाऊँगी। और भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, उनके प्लेटलेट काउंट ओनली 17,000 के आसपास आ रहे हैं, जबकि 1,00,000 से ऊपर होने चाहिए। तो बहुत ज़्यादा डाउन कंडीशन है, उनकी रिपोर्ट्स अभी तक प्रॉपर नॉर्मल नहीं आई है। तो देखिए अब डॉक्टर क्या बोलते हैं, आज मैं जाऊँगी तो पता चलेगा। वैसे तो पापा 2-3 दिन से आ रहे थे, और जिन भैया से मैं मिलने जा रही हूँ, भैया मेरे घर पर काम करते हैं। तो यार ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर पर कोई काम कर रहा है या फिर अपना फैमिली का कोई मेम्बर है तो ही हम उससे मिलेंगे, सभी एक जैसे होते हैं। और मेरे लिए तो यार पेशेंट को लेके तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा वो है कि यार हर इंसान मतलब वो अपना ही होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनसे मिल कराऊँ और हालचाल पूछ कराऊँ। मुझसे जो भी होगा मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, कोई हेल्प की ज़रूरत लगेगी तो वो भी मैं करूँगी। तो चलिए हॉस्पिटल चलते हैं, और फिर वहाँ जाकर आप लोगों से बात करते हैं, और भैया से भी मिलवाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ सिविल हॉस्पिटल में, और आपको पता है हमारे यहाँ का सिविल हॉस्पिटल ऐसा है कि कुछ समझ में ही नहीं आता है। मैंने मतलब पूरे हॉस्पिटल के चक्कर लगा लिए, तब भी जाकर मुझे वार्ड नहीं मिला। उसके बाद में मैं आईसीयू की तरफ गई, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि दीदी यहाँ का जो आईसीयू है वो दूसरा आईसीयू है, और आपको आपकी शायद पेशेंट को एडमिट करा हुआ है वो कोविड आईसीयू है। तो फिर मैं इधर से पूरा चक्कर लगा कि उधर वाली साइड में गई, तब भी मुझे नहीं मिला। उसके बाद मैंने भैया जो एडमिट है, भैया उनके साथ में जो भैया थे उनको बुलाया, और उन वो मुझे भैया के पास में ले गए। और गाइस मैंने सोचा था कि यार ठीक है भैया की तबीयत ख़राब हो रही है, एडमिट होंगे नॉर्मल वार्ड में होंगे, पर वहाँ जाके पता चला कि वो आईसीयू में है। और जैसे ही मैंने उनको देखा ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि यार बचपन से मैं उनको देख रही हूँ, उनकी मतलब उन्होंने हम जब छोटे थे ना तब से वो हमारे घर पे काम कर रहे हैं। तो यार गाइस अच्छा हंसता खेलता इंसान अचानक से ऐसे बीमार हो जाएगा ना तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। और यार वो मेरे भाई जैसे हैं, तो वो सब देख के ना मुझे अच्छा नहीं लगा। और जैसे मैं आईसीयू के अंदर इंटर कर रही हूँ, तो वहाँ पे इतने सारे मॉनिटर रखे हैं, उनकी एसी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ मतलब मेरे कानों में ऐसी चुभ रही थी। और रात भर मतलब भैया से जब मैं मिल के घर आई ना, तो मुझे बस बार 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 वही याद आ रहा था। प्लीज़ यार गाइस आप भगवान जी से प्रे करिए कि जल्दी से उनकी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है और उन्हें आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और उनके घर वाले भी बहुत परेशान हो रहे हैं। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भगवान से दुआ करिए कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, और भैया जल्दी से ठीक होकर घर आ जाए। वो ज्यादा से रिपोर्ट आई होगी ना आज की? आज की रिपोर्ट शायद नहीं है, आज मुझे बोला था मुझे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें हमारी पेशेंट की गंभीर हालत के बारे में पता है,
लेकिन यार ये सब चीज़ें देख के ना अच्छा नहीं लग रहा। और डॉक्टर का कहना है कि उनके सिर में क्लॉट जम गया है, इस वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई है और बहुत सारा वेस्ट भी निकला उनके इसमें से। और डॉक्टर का कहना है कि आप उन्हें आगे ले जाइए क्योंकि उनकी स्थिति थोड़ी सी गंभीर है। तो प्लीज़ यार गाइस, और ये समझ सोचिएगा कि दीदी ने वीडियो, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि कहते हैं ना कि दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत होती है, इसलिए आप सभी लोग दुआ कीजिए प्लीज़ गाइस, जब भैया जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी, यार पता नहीं क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है।